सभी को सुप्रभात। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। उसमें हम लोग तीन प्रकार के बंधों की बात करते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। और आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब दोस्तों हमने बात की थी आयनिक बंध की, तो आयनिक बंध में हम लोगों ने क्या बोला था कि आयनिक बंध में एक परमाणु आयन डोनेट करता है और दूसरा उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, और इस प्रकार से आयन्स के फॉर्मेशन के द्वारा आयनिक बंधों का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा था सहसंयोजक बंध, और उसमें क्या हो रहे थे, परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उप सहसंयोजक बंधों की, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो उप सहसंयोजक बंधों में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गई क्योंकि हम लोग बात ही किसकी कर रहे हैं, रासायनिक बंधों की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझेदारी जो होती है, ये इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। और लोन पेयर जो है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को ये देगा, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि दोनों की जो पार्टनरशिप होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें एक परमाणु कितना अच्छा होता है, बेचारा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन भी देता है और दोनों की पार्टनरशिप भी क्या होती है, बराबर होती है। तो जब हम लोग यहाँ पर यदि हम इन बंधों की बात करें, तो एक परमाणु के द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे परमाणु को दिए जाते हैं, तो उनके मध्य जो बंध बनता है उस बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं। इसको मैं आपको जब उदाहरण बताऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा लिखते हैं, जब एक परमाणु अपना अष्टक ऑक्टेंट पूर्ण करने के बाद अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर रखता है, तथा सामने वाले परमाणु के पास रिक्त कक्षक होता है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इन रिक्त कक्षकों में जाकर या देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब देखो ये जो मैंने परिभाषा लिखी है ये आपको उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यदि हम उदाहरण की बात करते हैं,
तो यहां पर हम उदाहरण ले लेते हैं। अपने पास है NH3 और एक अपने पास है BH3। अब यहां पर कंडीशन ये है कि जिस परमाणु के पास लोन पेयर है पहले उसका अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि अपना पेट खाली है और हमारे पास जो कुछ है वो हम दूसरों को देते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी, हम हमारा पेट भरने के बाद जो भी होता है वो दूसरों को देते हैं। तो लोन पेयर देने की कंडीशन ये होती है कि उसका अष्टक कंप्लीट होने के बाद उसके पास क्या होना चाहिए, दो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर लोन पेयर होना जरूरी है, और सामने वाला जो परमाणु है उसका अष्टक क्या होगा, अपूर्ण होगा और उसके पास क्या होंगे, रिक्त कक्षक होंगे। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर ग्रहण कर लेगा, उस रिक्त कक्षक में ग्रहण कर लेगा। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तभी किस प्रकार के बंध का फॉर्मेशन होगा, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था जैसे कि नाइट्रोजन के माध्यम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो ये बंध बना रहा है, यहाँ पर एक इसके पास क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के माध्यम कोष में 5 होते हैं, तो 3 ये क्या कर लेता है, बंध बना लेता है हाइड्रोजन के, और 2 इसके पास क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं। और यदि हम BH3 की बात करें तो इसके पास इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ पर इसका क्या होता है, ये रिक्त कक्षक होता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ जाएंगे, तो ये जो बंध का फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजक बंध। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी है, उनका जो भागीदारी है, वो दोनों की क्या होगी, बराबर बराबर होगी, इक्वल इक्वल होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा उप सहसंयोजक बंध। वैसे तो इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं उनको, क्योंकि उप सहसंयोजक यौगिक की अपनी अलग केमिस्ट्री होती है, उप सहसंयोजक केमिस्ट्री, और इनमें हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में जनरल साइंस वालों के लिए या फिर 9th-10th के बच्चों के लिए इतना ही काफी है। सिर्फ हम स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा है उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका उदाहरण देके मैंने आपको बता दिया और क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से हमारे केमिकल बॉन्ड्स के जो प्रकार हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, जो कि जनरल साइंस पढ़ने वालों के लिए या फिर रीड लेवल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से अभिक्रिया लिखी जाती है, अभिक्रिया के माध्यम से हमें किस किस डेटा की जानकारी प्राप्त होती है, उसमें ताप, दाब, उत्प्रेरक, ऊष्मा आदि का क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।